जी आपने पनीर की सब्जी खाई थी अभी कुछ दिन पहले? हाँ? पनीर की सब्जी खाई है कुछ दिन पहले? कल ही खाई थी। कल खाई थी आपने? पहले बताया था आड़ बैठे थे एक बार जी को? नहीं बताया। वाओ देखो भाई बताया दी। और बताओ जी। और राम राम सारे ने। मैं उतर गले कुसुम गोए तो स्क्रीन में था मेरे गले एक छोटा सा प्यारा सा बेटा देखते होंगे। इनके पापा जी भी मेरे गले मौजूद हैं। भाई देखो जब बालक ने कुछ भी परेशानी होवे है, बालक का कुछ भी दिक्कत होवे है, तो भाई माता पिता ने बहुत ज्यादा टेंशन हो जावे है। और यह टेंशन इनके पिताजी ने भी हो रखी थी। और एक और चीज मैं दिखाऊंगी स्क्रीन पर, हमने एक और बाप बेटा दिखते होंगे। बेटा बाप ने बिल्कुल मतलब गोदी से मैं उठा रखा है, वो स्क्रीन पर दिखाऊंगी। देखो बेटा जुगर किस तरीके का है, बड़ी मुश्किल से लेकर जान लग रहा है अपने बाप ने अंदर। ये देखो एक कमरे में लेकर जान लग रहे हैं। वो भी पूरा मामला के है, वो भी पूछेंगे। लेकिन मेरे मैं जिस टाइम ये दिखा रही हूँ तब ने एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, कितने साल का है जी? 4 साल का है। 4 साल का, बिल्कुल 4 साल का। ये देखियो मासूम सा है बेटा। एक बार यूं हाथ उठाइए, यूं हाथ उठाइए, यूं देखो पूरा उठा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। यूं उठाइए, उठा दे, उठा दे। वाह वाह, बस 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 बस। दर्द तो नहीं होया? दर्द तो नहीं होया बेटा? दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा। क्या नाम जी आपका? सचिन। सचिन, आपके बेटे का इतनी सारी दिया परेशानी, इतनी दिक्कत थी, दुख तो होता होगा? हाँ दुख तो हो रहा था, परेशानी घर में भी। मजदूरी करने वाले हैं भाई ये। और ईब तो हम कहोगे कि ईसा क्या हो गया, कुसुम हाथ ठुआ का देख लग रही है। तो इस बेटे ने हम यार लेकर चलेंगे इस कमरे में, जो करीब एक बाप बेटा अंदर ही गए हैं। ले भाई इसने मैं अंदर ले आई, मेरे गेले मौजूद है, सारे जाने हैं इनने, इन भाई ने सारे जाने, परिचय कराने की जरूरत भी कोनी। वैद्य जी हैं और वैद्य जी तो पूछेंगे कि भाई इस बेटे का इतनी सारी दिक्कत हो रही थी, परेशान था बाप जो है, इतनी मजदूरी करके कमा कर ना इसकी मतलब आज यह समस्या जो है वैद्य जी ने छू मंतर कर दी सिर्फ 2 बार में। वैद्य जी राम राम। राम राम जी, जय श्री श्याम सारे दर्शकों ने। बोलो। अच्छा जी, इसका यह दिक्कत थी, इतनी परेशानी थी, जन्म तय दिक्कत थी। हाँ, जन्म से ऐसा के कौन सा जादू मारा आपने जो या दो बरी में ठीक हो गई? सर एक्यूप्रेशर जो है ना, एक हमारी प्राचीन सभ्यता से बना हुआ इलाज है ये, ठीक है। और हालांकि अब ये चाइना ने इसको पेटेंट करवा लिया, लेकिन है इंडिया का ही, भारत का है अपना, प्राचीन है। तो इससे आप कोई भी बीमारी हो उसको इलाज कर सकते हो, कैसी भी बीमारी। अच्छा जी, बेटे का क्या बीमारी का इलाज? बेटे का क्या दिक्कत थी शुरू में बताइए। हाँ, इसके दिक्कत ये थी कि जब ये बचपन में इसकी नस दबी है यहाँ से, ठीक है, नस दबने की वजह से थोड़ा दिमाग के अंदर छोटा स्ट्रोक बन गया था। हाँ। तो इनका हाथ, इसके हाथ और पैर में ये दिक्कत आई थी, पर वो स्ट्रोक हट जाता है एक्यूप्रेशर से। एक्यूप्रेशर क्या करता है कि एक बार खून को पूरा दौरा डालेगा अंदर, फिर आएगा, फिर डालेगा, फिर आएगा, वो नस खुल जाती है। अच्छा जी, ये भी कितनी बार प्रेशर से हम मसाज भी करते हैं, एक्यूप्रेशर से ज्वाइंट पेन के लिए मसाज करते हैं, लकवे वाले के लिए भी मसाज करते हैं। तो ये सारे चीज जो इलाज है ना, हर बीमारी का इलाज संभव है एक्यूप्रेशर से। पैरालाइज के लिए पॉइंट है, उनके क्या दबाव है अभी, इनको मैंने देना एक्यूप्रेशर देना, ठीक है, इनको शुगर की प्रॉब्लम है, मान लिया जाए इनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर के पॉइंट देंगे। आप नाड़ी देख कर बता दो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नाड़ी से पूरा ये पता चल जाएगा कहाँ क्या दिक्कत है, ठीक है। इनकी पिंडक्रिया के अंदर सोजन है। आपने पनीर की सब्जी खाई थी अभी कुछ दिन पहले? पनीर की सब्जी खाई है कुछ दिन पहले? कल ही खाई थी। कल खाई थी आपने? पहले बताया था आड़ बैठे थे एक बार जी को? नहीं बताया। वाओ देखो भाई बताया दी। और बताओ जी। और ठीक है, ये चीजें जो आपको ये पनीर की सब्जी है ना, आपके लिए हानिकारक है। इनको परेशानी क्या है, इनको बताओ वैद्य जी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने के लिए होती हैं। अच्छा चलो भाई, क्योंकि कोई नौकरी करता है, कोई रिश्तेदारी में किसी के साथ भी हुई नहीं हुई है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, नहीं होती, लेकिन एक नॉर्मली थोड़ी सी पेट के अंदर प्रॉब्लम है इनको, पेट के लिए से। हाँ, ये रोता भी नहीं है, इतना आदत पड़ गया इसमें। अब ये तीसरी बार ही आया। अरे ऐसे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर से आते चले, हमारे वीडियो पाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, वैद्य सुनील गोयल चैनल है अपना। हाँ, उस पर वीडियो मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ। बेटा दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? ले भैया देखो कुछ नसें दाब रहे हैं वैद्य सुनील गोयल जी।
और यो हाथ इतना इतना उठा देगा यो बच्चा। पहले क्या कैसे था जी इनका जो पहले बस इतना ही था, इतना था बस इतना। हाँ अब ले जाओ ऊपर। वेरी गुड ठीक अब पकड़ो मेरे को पकड़ो पकड़ खेच इसको खेच जोर लगा खेच ले खेच खेच इधर इधर खेच इधर पकड़ के हाँ खेच ले ले खेच 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 लिया भाई खेच ली कुर्सी खेच ली ये तो मेरा पैर लग रहा है ठीक है ले भाई अंकल जी थोड़ा थोड़ा चल का है हो रहा तैयार लग अपने आप चलो चलो अंकल जी ये थोड़ी अनपल है ये भैया जो है इन्हें पकड़ कर लेके गए थे अंदर इतने चल रहे थे आंटी ना ना बिना सहारे के तो चल ही नहीं पा रहे थे और भीतरता है ना अपने आप अपने आप आए हैं ये देखो आज अंकल आज थोड़े और आज यहाँ सीट तक आज अंकल और सीट आपकी आजो आजो वजन पाओ पैर देखते कह रहे ना वजन पाओ मतलब पहली बार में कुछ परसेंट आराम हो गया है ना कुछ लगा है बाकी इनका ऑपरेशन हो रखा है इसलिए थोड़ा सा हाँ। अंकल चल पा रहा है ठीक दर्द दुर्द तो नहीं हो रहा नहीं दर्द पैर में तो है ही है पैर में है लेकिन इतना को नहीं चल पाओ थे बिल्कुल ही नहीं जी खड़ा नहीं होता था पहले जी अच्छा अंकल जी इतना तो सही चल आया पौड़ा ताड लगा नहीं अपने आप बैठो ना अंकल जी छोड़ दो अंकल कोनी गिरो वैद्य जी ने बिल्कुल बढ़िया कर दिए हो आप और हो जोगे मतलब टेम गेला थोड़ा थोड़ा सा बस बस ले भैया बैठ गए वाह।